रिया, रिया क्या हुआ रोहन? पता नहीं मॉम, रिया दरवाजा नहीं खोल रही। रिया, रिया, रिया बेटा दरवाजा खोलो। रिया, रिया, रिया दरवाजा खोलो। रिया, क्या कर रही है अंदर? रिया तुम घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। अभी बुरा मत मानना, लेकिन आज अमिता ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ, अमिता को आजकल क्या हो गया भगवान जाने। रिया, रिया आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रोज 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 अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। क्या बोल रही हो? रिया, क्या? रिया, रिया, नहीं नहीं, ये सब अमिता की वजह से हो रहा है। देखिए क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की उसने। शांत हो जाओ रिया, तुझे जल्दबाजी में ऐसा पैसा नहीं लेते। बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के मत जाओ। किसी का तो अफसोस है ना फल्लू काकी, इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी आपको ये बात छोटी लग रही है। आज उसने मुझे बोल दिया कि मैं उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। फिर उठ के आपको बोल देगी कि आप उसके बच्चे को मारना चाहती हैं। फिर क्या करेंगी आप काकी, बोलिए ना, क्या करेंगे आप? रिया बात को समझो, अमिता की हरकतों की वजह से हम सब परेशान हैं। यकीन मानो उसने जो किया है उसके लिए मैं उससे जरूर बात करूंगी। काकी प्लीज, मैं नहीं रुकूंगी काकी, मैं जा रही हूँ। रिया रुक जाओ, क्या कर रही हो? तो कोशिश करो रिया। रुको रिया, तुम एक कदम भी और नहीं बढ़ाओगी। दादी प्लीज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये मेरा घर है, इस घर को मैंने अपने प्यार से सींचा है, और मैं तुम्हें या अमिता को इसे बर्बाद करने नहीं दे सकती। अमिता ने तो तुम पर उंगली उठाकर गलती कर ही दी है, उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इस बात की छूट मिल जाए कि तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पोते से शादी करने के बाद तुम्हारा घर यही है, अपना सूटकेस उठाओ और अंदर जाओ। एक शब्द नहीं सुनना है मुझे, चलो अंदर। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता लगा दिया है और बाकी लिए उपमा बना दिया है। ठीक है। आप मुझसे नाराज हैं ना? क्यों, मुझे तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए अमिता? लल्ला जी के आशीर्वाद की वजह से बड़ी मुश्किल से मेरा परिवार फिर से एक हुआ है, जो कल तुम्हारी बेवकूफी की वजह से बिखरने वाला था। मैं समझ रही हूँ मम्मी जी। नहीं अमिता, तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो। हर बार तुम्हारी हर बात पे मैंने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन कल जो तुमने रिया के साथ किया ना, वो हम सबको नागवारा है। अमित, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लूंगा। पर बिना कुछ खाए आप, कहा ना उसने वो ऑफिस में जाकर कुछ खा लेगा, तो खा लेगा वो। तुम नाश्ता कर लो। जी। अरे क्या हुआ? हाँ बैठो बैठो, बैठो नीचे, वही तभी तो ठीक है, चक्कर आ गया तुम्हें? पता नहीं मम्मी जी, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सर भारी भारी सा लग रहा है, चक्कर आ रहा था। कहा ना मैंने, फिजूल की चिंता करोगी ना तो सब ऐसे ही होता है। अब एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपनी जांच करवा लो।
नहीं, मैं ठीक हूँ। अमिता, चक्कर आना कोई मामूली बात नहीं होती। मेरा कहा मानो और डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं रौनक को भी तैयार कर देती हूँ। रौनक कहीं नहीं जाएगा। मेरा मतलब है, बिना कारण इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना अच्छा नहीं है। उसे इन्फेक्शन हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं बा, मैं अकेली चली जाऊंगी। मम्मी जी, आप प्लीज रौनक को संभाल लीजिएगा। तुम चिंता मत करो, रौनक का मैं अच्छा ख्याल रख लूंगी। तुम डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाओ कह तो दिया मैंने, लेकिन तुम जा पाओगी? हाँ मम्मी जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। रौनक, मम्मा जल्दी से जाके आपके पास वापस आ जाएगी, ठीक है? और पीछे से रोना नहीं। चलो। टॉयस कहाँ है? टॉयस कहाँ? ये टॉयस। मम्मा जल्दी से आ जाएगी, ठीक है? हेलो दया बहन। अरे हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये मजा मचो तुम्हें? अरे घरे तो आओ, आखिर देख तो लो भाई, दादी बन गई हूँ मैं। हाँ, एक सेकंड ना दया बहन, एक सेकंड। अमिता बेटा, रौनक को कुछ खिलाना पिलाना है? मम्मी जी, मैंने उसे दूध तो पिला दिया है, बस एक घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा। अमिता, क्यों चिंता कर रही हो? मैं रौनक का अच्छी तरह से ख्याल रख लूंगी। तुम डॉक्टर के पास चली जाना और अपनी सारी चिंताएं यहीं छोड़ जाना। जी मम्मी जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ दिया बहन। ना ना अमिता, बीजू कहीं? अच्छा बाकी बता मजा माँ। अरे सरस है, बहुत सरस है। चलो तो बच्ची। हाँ हाँ हाँ, भले। पल्लू, रिया को मैगजीन पढ़ते देख मुझे याद आया कि कल मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि गुस्सा करने से वजन कम होता है। अब मैं परी को दूध पिला के आती। ये रिया इतनी जल्दी नहीं मानने वाली, कल की बात को लेकर वो अभी भी नाराज है। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही, और मैं शायद जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरा परी, मेरा बच्चू है, मेरा बच्चू है, मेरा बच्चू है, बब्बू, मेरा छोटू, क्या कर रहा है? रिया, बेटा मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। परी के साथ साथ ना तुम रौनक को भी थोड़ा सा दूध पिला देना। वो क्या है ना, अमिता घर पर नहीं है ना, तो रौनक का भी ख्याल रख लेना तुम। सॉरी काकी, मुझसे नहीं होगा। पर रिया प्लीज काकी, मैं रौनक के पास भी नहीं जाना चाहती, वरना अमिता को फिर मौका मिल जाएगा मुझे 10 बातें सुनाने। रिया, परेशानियों से भागकर उनको सुलझाया नहीं जाता। और फिर मैंने तुम्हें अमिता से बात करने के लिए नहीं कहा है, तुम्हें रौनक का ख्याल रखने के लिए मैंने कहा है। और जहां तक कि मैं जानती हूँ, रौनक अपनी काकी से और रौनक की काकी रौनक से बहुत प्यार करते हैं। हाँ काकी, आप सही कह रही है, लेकिन हम कोई ऐसा काम क्यों करें जिससे परेशानियां और बढ़ जाएं? रिया, मेरा यकीन करो, तुम्हारी फलू काकी तुम्हें कभी भी कोई गलत सलाह नहीं देगी। जा, रौनक का ख्याल रखो।
कौन लेके चला गया उसे? मेरा बेटा इतना प्यार से रहता है तो मेरे पास चल चल अरे रिया तू ये तो जल्दी आ गई। रौनक दूध पीकर सो गया? ताकि वो कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो तुम? हाँ मतलब मैं रूम से आ रही हूँ, वहाँ नहीं है। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खिसक खिसक कर कहीं चला गया हो? नहीं नहीं मेरी आंखों के सामने अमिता ने उसे पालने में रखा था। एक मिनट जब वो घर से बाहर निकल रही थी ना तो मैंने उसे अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसके अपने साथ ले गई हो। उसको लेकर जाना चाहती थी ना। Thank God. I hope ऐसा ही हो, वरना वो वापस आकर मुझे रौनक के साथ देखती और फिर मुझ पे शक करती। अमिता का फोन। हेलो। हेलो मम्मी जी, मैं अभी तक क्लिनिक में ही हूँ। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया है कि रौनक सबको तंग तो नहीं कर रहा ना? नहीं बेटा, नहीं तंग कर रहा, तुम चिंता मत करो। ठीक है मम्मी जी। और उसे भूख लगी होगी ना तो? अरे अजीब बात है, अचानक से फोन कर दिया। मम्मी मम्मी अमिता रौनक को नहीं लेकर गई है। रौनक रौनक सच में गायब है। रौनक क्या हुआ रौनक को? अमित रौनक घर से गायब हो गया और बुरी खबर तो यह है कि कजरी भी घर में दिखाई नहीं दे रही। क्या रौनक खो गया? मम्मी अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी इसी वक्त घर के लिए निकल रहा हूँ, रास्ते में पुलिस स्टेशन होते हुए आऊंगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अपने पोते का ख्याल तक नहीं रख पाई। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा था कोई भी तकलीफ नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उन्होंने कहा है कि मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और रौनक के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। क्या हुआ? आप सब लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे? वैसे आप सब लोग यहाँ हो तो रौनक है? मम्मी जी रौनक है? वो अमिता बात ऐसी है कि एक सेकंड रिया दीदी, रौनक ठीक तो है ना? अमिता वो क्या हुआ ना, मैंने रिया को कहा था कि वो रौनक का ख्याल रखे पर जब क्या मम्मी जी अपने रिया दीदी को रौनक के पास भेजा? क्यों रिया दीदी रौनक कहाँ? रिया दीदी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, रौनक कहाँ है? कहाँ है मेरा रौनक? अमिता वो कहाँ है मेरा बेबी? अमिता अमिता एक मिनट मेरी बात सुनो, रौनक कहीं खो गए। क्या?
लेकिन वो नहीं मिला, उनका कजिन भी नहीं है घर पे। देखा देखा ना आप लोगों ने, नहीं सुनी ना आप लोगों ने मेरी बात। मैंने कहा था कि वो अच्छी नहीं है, वो मेरे बच्चे को चुरा कर ले गए। एक सेकंड, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी है और पुलिस वाले कजरी को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। अमित, किस पाप की सजा मिल रही है मेरा बच्चा? बस 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 अमिता बस। अमिता आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? अमिता अमिता मेरे सामने देखो, अमिता मेरी हिम्मत आप हो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रौनक को कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखते हैं। सच्ची मैं कुछ नहीं होने दूंगा रौनक को। मेरे बच्चे को ला दीजिए ना। पापा मम्मी, हम सब लोग इस तरह से हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। अब मैं मानता हूँ कि पुलिस वाले कजरी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पता लगाना चाहिए कजरी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब कुछ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे पास कजरी की काफी सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो मुझसे बहुत सारी बातें करती थी। कहाँ भाग रही हो? हाँ कहाँ भाग रही हो तुम? चुप क्यों खड़ी हो बताओ ना। हम कहीं नहीं भाग रहे दीदी। कहीं नहीं भाग रही हो? मेरा बच्चा कहाँ है? रौनक कहाँ है? रौनक? हमें नहीं पता दीदी। रौनक कहाँ है तुम्हें नहीं पता? नहीं हमें नहीं पता। तुमने मेरे बच्चे को नहीं चुराया तो यहाँ बसों पर क्या करती? कहाँ भाग रही थी? हम कहीं नहीं भाग रहे थे, हम सहेली से मिलने गए थे जुहू। देखो झूठ मत बोलो, मेरे सवाल का सही से जवाब दो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें डंडे मार कर सही जवाब निकलवाएंगे। दीदी हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। अमिता आपका फोन है, मैं बात करता हूँ। कुछ हाँ तुम बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ दीदी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता रौनक कहाँ है। मैं सिग्मा हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ, क्या मैं अमिता जी से बात कर सकती हूँ? नहीं मैं अमिता का हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। देखिए बहुत अर्जेंट है, आज वो हमारे क्लिनिक में अपना चेकअप कराने के लिए आई थी और अपना बच्चा यहीं भूल कर चली गई। क्या? उनके फॉर्म से उनका नंबर मिला है, आप यहाँ पर जल्दी से आइए और उस बच्चे को आकर ले जाइए।